मैं नेहा स्वागत करती हूँ आपका लाइव इंडिया हर पल में। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजभवन स्थित। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि धरना प्रदर्शन जो है लोगों का लगातार जो है जारी रहता है। लेकिन आज उन लोगों से हम मिलाएंगे आपको कि जिनके वंशज को सुन करके आप हैरान रहें कि आखिर ये किनके वंशज हैं। आप देख सकते हैं बैनर में कि स्वतंत्रता संग्राम के न्यायकों के वंशजों का 15 सूत्री मांगों को लेकर राजभवन के समक्ष जो है एक दिवसीय उपवास आंदोलन है, जहां पे आप देख सकते हैं ये वंशज कोई आम नहीं बल्कि खास है। शहीद नीलांबर पीतांबर के वंशज यहां मौजूद है, शहीद तेलंगाना खड़िया के वंशज यहां मौजूद है, शहीद नादिर अली खां के वंशज मौजूद है, शहीद जीता राम हो या टिकौती उराव हो या फिर शेख भिखारी हो या फिर जय मंगल पांडे हो या फिर कहा जाए तो झारखंड के बिरसा भगवान जो है बिरसा मुंडा, उनके वंशज भी यहाँ मौजूद है जो कि सरकार से काफ़ी दिनों से लगातार मांग रख रहे हैं, सरकार के समक्ष अपनी मांगों को रख रहे हैं, पर इस पे कोई भी विचार विमर्श सरकार करती नज़र नहीं आ रही है। हालांकि कई दिनों से इन लोगों का प्रयास जो है लगातार जारी है, लेकिन कुछ भी अब तक इन लोगों का हाथ नहीं लगा। तो हम जुड़ेंगे फ्रीडम फाइटर्स के वंशजों से और बात करेंगे कि अब उनकी क्या स्थिति है, जिनका योगदान झारखंड को आज़ाद कराने में रहा था, झारखंड को जीतने में रहा था, और बिरसा मुंडा जो है देश में पूरा जिनका योगदान रहा था, तो अब उनके वंशज जो है कौन सी स्थिति में है, किस स्थिति में है, वो हम आपको दिखाएंगे। आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। हाँ, आपको भी धन्यवाद और देश की जनता को भी हम नमस्कार करते हैं आपके चैनल से। किनके वंशज हुए आप और यहाँ पे आज आप एक दिवस से उपवास में बैठे हुए हैं? मेरा नाम सच्चिदानंद पांडे हुआ और मैं 1857 स्वतंत्रता संग्राम के नायक शहीद जयमंगल पांडे के सातवें पीढ़ी का वंशज हूँ। और आज हम लोग 15 सूत्री मांग को लेकर एक दिवसीय उपवास रखा हूँ, क्योंकि पूर्व में हम लोग राज्य सरकार को कई एक आवेदन दिया कि हम लोग मिलना चाहते हैं। कई एक ऐसे परिवार हैं जो आज बहुत चीज़ से वंचित हैं और उनके घर जाएंगे तो ना बढ़िया घर है, ना खाने का, ना रहने का, ना पढ़ने का, शिक्षा स्वास्थ्य किसी तरह का सुविधा नहीं, यहाँ तक कि मान सम्मान से भी दूर है। तो वैसे परिवार हैं सारे लोग, तो सरकार ही है जिससे हम मांग सकते हैं। तो सरकार को आवेदन दिया, कई बार हम लोग राज्यपाल को आवेदन दिए, लेकिन किसी भी तरह का एक भी अबल करके हम लोगों को बुलाया नहीं गया। आज विवश पूर्वक हम लोग एक दिवसीय उपवास पर यहाँ पर हैं और 15 सूत्री मांग है, जिसमें पहला डिमांड हम लोग का है कि एक स्वतंत्रता सेनानी आयोग का गठन हो, उसका चेयरमैन जो भी हो स्वतंत्रता सेनानी आयोग के परिवार हो, और वो उसके माध्यम से पूरे स्वतंत्रता सेनानी परिवार जितने भी हैं उनकी कम से कम देख रेख उस माध्यम से हो। दूसरा है कि शिक्षा स्वास्थ्य बिजली पानी ये सब जो है वो निःशुल्क उन परिवारों को मिले, उनकी गांव जो है जो बलिदानी के गांव है उसको आदर्श ग्राम घोषित करें और जहां बलिदान हुए हों कम से कम उसको पर्यटन स्थल के रूप में घोषित करें, और शिक्षा जो अभी झारखंड की शिक्षा है कम से कम उसमें इन स्वतंत्रता सेनानियों को प्रमुखता से पढ़ाया जाए बच्चों के बीच, ताकि आने वाले जनरेशन आने वाले पीढ़ी 1857 की क्रांति को पढ़ पावे, क्योंकि 1857 क्रांति वही है जो भारत देश की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से जाना जाता है। ये लड़ाई है और उसमें हमारे पूर्वज नेतृत्व किए थे झारखंड से, जिसमें बाबू वीर कुंवर सिंह का नाम आता है, लक्ष्मीबाई का नाम आता है, तात्या टोपे का नाम आता है, जब बहादुर शाह जफर का नाम आता है, वैसे ही शहीद जयमंगल पांडे, शेख भिखारी, टिकाय तुमराव, नीलांबर पीतांबर, जीतराम बेदिया, गणपत राय पांडे, गणपत राय, विश्वनाथ साधे, ये सारे लोग इस स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में एक युद्ध में थे। और चतरा की एक बड़ी युद्ध है जिसको स्वतंत्रता संग्राम की युद्ध जिसको आप बोलते हैं वो चतरा में हुई है, ये बहुत कम लोगों को मालूम है। वहाँ फांसीहारा तालाब है जहाँ शहीद जयमंगल पांडे नादिर अली के साथ 150 भारतीय सैनिकों को एक साथ फांसी पर लटका दिया गया है, आज भी वहाँ पर वो गवाह है। तो ये बड़ी आज तक देखे होंगे कि इतनी बड़ी फांसी कहीं भी झारखंड की इस धरती चतरा की धरती के अलावा कहीं दूसरे जगह पे नहीं है, ठीक है। तो उन परिवारों को कम से कम सम्मान के साथ साथ एक सम्मान पेंशन मिलना चाहिए, जिसे अभी हरियाणा सरकार 40,000 रुपये पेंशन स्वतंत्रता सेनानी परिवारों को की, तो एक वो भी मिलना चाहिए।
और जहाँ पर इन लोग को बलिदानी हुआ है उसको कम से कम उस जगह को पर्यटन स्थल रूप में घोषित करें वहाँ पर, ताकि लोग घूमने जाएं और उनके विषय में जानकारी हो। ठीक है, तो ऐसी कई मांगे हैं और बहुत हमको लगता है सरकार उसको पूर्ण कर सकती है। आज आए दिन देखते होंगे कि नेता के यहाँ, उपायुक्त के यहाँ, चाहे जिसके यहाँ बहुत छापा मारा था तो खाली पैसे निकल रहा है। तो स्वतंत्रता सेनानी परिवार भूखे सोए, ये सरकार को अच्छा लगेगा क्या? अपना परिचय दे। मैं सच्चिदानंद पांडे 1857 स्वतंत्रता संग्राम के नायक शहीद जयमंगल पांडे के सातवें पीढ़ी का। हमारे साथ यहाँ और लोग भी जुड़ चुके हैं, हम उनसे बात करेंगे किस तरह से आप लोग का जीवन बसर हो रहा है, क्योंकि देश को आज़ाद करने में जिनका योगदान रहा है उनके वंशज जो है आज हर एक चीज़ की कमी महसूस करते नज़र आ रहे हैं। सबसे पहले आप लोग को जोहार मेरे तरफ से। मेरा नाम हुआ धनराज बेदिया और स्वतंत्रता सेनानी जीतराम बेदिया के वंशज हुए, और इसी तरह से यहाँ पर सभी वंशज के लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, जो ऊपर में देख रहे हैं सभी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। हम लोग का बड़ी दुख के साथ हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं कि आज पहले लोग पढ़ा लिखा लोग नहीं था, लेकिन आज हर एक गांव में हर एक कस्बे में लोग पढ़ा लिखा लोग हैं। आज टिकेत उमराव सिंह का जो वंशज हैं, अमित सिंह जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, ग्रेजुएशन किए हुए हैं। मेरे घर में जो जीतराम बेदिया हैं उनके घर में भी पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएशन किया हुआ है, इंटर किया, मैट्रिक किया हुआ है। उनको ओरिएंटल भी जाता है काम करने तो वहाँ भी काम नहीं मिलता है, कहीं पर जाता है तो कोई काम भी नहीं, तो पढ़ लिख के क्या करेगा, चोरी डकैती बदमाशी करेगा। सरकार इसीलिए बना है, यहाँ मंत्री विधायक अपना केवल पेंशन बढ़ा रहे हैं और यहाँ पर वंशज लोग भूखे मर रहे हैं। लेकिन एक बात अगर कही जाए तो आप लोग कोई सालों से ये मांग रही है, सालों से आप लोग ये मांग कर रहे हैं। बहुत दिन से ये हम लोग का मांग पहले से भी चल रहा है, बहुत लोगों ने भी मांग कर रहा है, कुछ लोग तो मांग करते करते मर भी गया लोग, और हम लगता है हम लोग भी मांग करते करते मर जाएंगे। हम लोग 50 से 55 बरस करीब होने जा रहा है, हम लोग सच्चिदानंद सर यहाँ, पांडे सर हैं यहाँ पर, इनका भी करीब 60 लगभग होने जा रहा है, तो हम लोग 20-25-30 साल का मेहमान है यहाँ पर। हम लोग मांग भी करते करते मर जाएंगे, हम लोग भी मांग करते करते मर जाएंगे। हम लोग 50 से 55 बरस करीब होने जा रहा है, हम लोग सच्चिदानंद सर यहाँ, पांडे सर हैं यहाँ पर, इनका भी करीब 60 लगभग होने जा रहा है, तो हम लोग 20-25-30 साल का मेहमान है यहाँ पर। हम लोग मांग भी करते करते मर जाएंगे, मेरा बच्चा लोग ना सही एजुकेशन मिलेगा, न सही नौकरी मिलेगा, न सही कहीं पर कोई रोजगार कर सकता है, वैसा सुविधा सरकार के लिए कहीं वंशज लोग को सही पर घर भी नहीं मिल रहा आवास। यहाँ पर मंत्री लोग जब बन गया, आज मंत्री कैसे बना, विधायक कैसे बना, देश आज़ाद हुआ तभी बना, तो देश आज़ादी के लिए यहाँ कुर्बानी दिए तभी देश आज़ाद हुआ, तो जब उसका वंशज लोग यहाँ भूखे मर रहा है, ये सब कुछ हो रहा है, तो उसके लिए सरकार को ध्यान देना चाहिए, नहीं देना चाहिए? तो हम चाहेंगे कि सरकार जितना तरह आपको बता रहे हैं, 22 नवंबर 2016 को जो पुराना विधानसभा वहाँ जीतराम बेदिया का फोटो लगाया गया है, और एक टिका थी कार्तिक उराम का फोटो लगाया, जो जिस समय थे दिनेश उराम अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष, उसी समय लगाया गया है। तो हम चाहते हैं कि जो पुराना विधानसभा है उसको नया सा विधानसभा में जो फोटो लगाया गया है, स्वतंत्रता से जीतराम बेदिया का फोटो और कार्तिक उराव का जो फोटो लगाया है उसको नया विधानसभा में लगाने का मेरे तरफ से आग्रह आप लोगों के चैनल के माध्यम से कर रहे हैं कि सरकार तक भी इस बात को वहाँ पर जाना चाहिए। चलिए, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पर हम लोग से मिल रहे हैं, इसलिए धन्यवाद। तो जिस तरह से आपने सुना कि नई विधानसभा में भी उनकी तस्वीर को जो है लगाने की मांग की जा रही है, और अब हम जिस तरह से मिलाएंगे आपको, वो नीलांबर पीताम्बर के वंशज है और हम उनसे जुड़ेंगे और बात करेंगे। नीलांबर पीताम्बर के वंशज है, यहाँ पे तो कई ऐसे जगह जो है वो बनाए गए हैं, नीलांबर पीताम्बर के भी नाम से जाना जाता है रांची। तो अब क्या लगता है कि रांची में सिर्फ उनकी पहचान रह गई, उनके वंशज जो है वो खो गए हैं कहीं? देखिए, अमर शहीद नीलांबर पीताम्बर के नाम सर यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर एक पार्क है जी। तो कोई प्रतिष्ठान का नाम रख दिया जाए, कोई पार्क का नाम रख दिया शहीदों के नाम, इससे उनकी जो क्षुधा है ना, भेंट भूख भूख मिट नहीं आएगी। उनके लिए उनके जो ज़रूरत क्या है, बुनियादी आवश्यकता उन्हें क्या है, वो पूरा करना होगा सरकार को। सम्मानजनक कम से कम पेंशन मिलना चाहिए, और जो ये जो राजकीय आयोजन होते हैं, जयंती और शहादत दिवस, उसको जो जिले के प्रशासनिक पदाधिकारी हैं, डिप्टी कमिश्नर, उसके माध्यम से हो और सरकार का ये सख्ती से कार्रवाई करनी चाहिए। सख्ती से कार्रवाई जी।
आगे की रणनीति क्या होगी, क्योंकि लंबी लगातार मांग रही है आप लोगों की, लेकिन इस पर कोई गौर नहीं किया है, तो आगे की रणनीति क्या बनाएंगे? चूंकि आज तो एक दिवसीय उपवास आंदोलन आप लोग कर रहे हैं, तो आगे क्या करेंगे फिर आप लोग? देखिए, आगे चरणबद्ध तरीके से हम लोग वो तो उसके लिए रणनीति बनाएंगे, हो सके तो जो भी आगे रणनीति, चलिए ठीक करेंगे जी। हमारे साथ यहाँ पे एहतसाम जुड़ चुकी हैं, जो कि शहीद शेख भिखारी की वंशज बताती हैं। हम उनसे बात करते हैं, चूँकि ये भी लगातार जो है सरकार से गुहार कर रही थी कि इन लोगों की भी जो मांगे हैं वो पूरी की जाए, जो कि जो 15 सूत्री मांगे हैं, पर अब तक इस पर कोई गौर नहीं किया गया। हम एहतसाम वाली से जुड़ते हैं और बात करते हैं, एहतसाम क्या कुछ कहेंगी, लगातार आपकी मांगे जो है लंबी चली है और अब जो है फिर से आप आंदोलन पर आ उतरी हैं, तो क्या इसी तरह से ये चलता रहेगा सिलसिला, या फिर सरकार आपको बस ऐसे ही ठेंगा दिखाती रहेगी? जय हिंद जोहार। जैसे कि आपको पता है कि मैं कौन हूँ, और सबसे पहले बात तो है कि मेरा नाम इंतजाम अली हुआ, वीर क्रांतिकारी शहीद शेख भिखारी जी की प्रपोती हूँ, और हम लोगों का जो मांगे हैं वो हम लोग का बिल्कुल जायज है, और सबसे पहले हमारा हक है, चाहे वो राज्य में हो चाहे देश में हो, सबसे पहले हमारा अधिकार, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने इसी दिन के लिए कुर्बानी नहीं दिया था कि हमारे आने वाले जो भारतवासी हैं, हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो वंशज हैं, आने वाले दिन में किसी दर का ठोकरे ना खाए इसकी वजह से, वरना किसी अंग्रेज का आज हम लोग जुर्म सहते होंगे। और इसी बातों को लेकर के आज हम लोग फिर सरकार से मांग करने के लिए आए कि अभी आपने पिछले अभी 4-5 दिनों पहले आपने देखा होगा कि राज्य की सरकार है, उन्होंने मंत्री विधायक का पेंशन बढ़ाया है, तो क्या आप अपने ही लिए, ये सरकार जो बनी है ना बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ अपने लिए सोच रही है, तो क्या हमारे लिए भी पेंशन के लिए व्यवस्था करेंगे, क्या हमारे लिए नौकरी की व्यवस्था करेंगे, क्या हमारे लिए बिजली फ्री करेंगे, क्या हमारे लिए शिक्षा फ्री करेंगे, क्या हमारे अभी मेरे दादा के नाम से वीर क्रांतिकारी शहीद शेख भिखारी जी के नाम से इतना बड़ा स्टेडियम बना है, अगर वहाँ से 2% भी अगर हम लोगों को वहाँ से लाभ मिलेगा, तो शायद हम लोग का आज हम लोग का यहाँ पे बैठने का ज़रूरत नहीं पड़ता। ये हमारे साथ एहतसाम अली जुड़ चुकी थी, जिन्होंने बताया कि अगर इन लोगों को जिन स्थान पर पर्यटकों पर इनके जो फ्रीडम फाइटर है उनका नाम जुड़ा है, तो अगर उनसे 2% भी इनको लाभ मिलता है तो इनकी जीवन बसर जो है काफ़ी अच्छे से होगी। लेकिन इस बात को दरकिनार करते हुए सरकार इन लोगों को कहीं ना कहीं जो है बात को इग्नोर करती नज़र आती है, और लगातार ये लोग धरना प्रदर्शन पर उतरे रहते हैं, और अब जो है आंदोलन कर रहे हैं कि हमारे लिए बिजली हो चाहे शिक्षा हो या फिर स्वास्थ्य का केंद्र, वो हमारे लिए फ्री होना चाहिए, और जो एक तरफ से घर मिलने की बात होती है, इंदिरा आवास या मोदी आवास की बात होती, तो वो कहीं ना कहीं नहीं मिल पाता है, जो कि हर चीज़ से ये लोग अब तक वंचित रह गए। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या ये दर बदर की ठोकरी खाने को लेकर इसी तरह मजबूर रहते हैं, या फिर इन लोगों का हक अधिकार जल्द से जल्द मिल पाता है। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे लाइव इंडिया हर पल के साथ। मैंने हाँ